सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट हेमंत फॉर यू चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, दिस इज हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट हेमंत फॉर यू। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप किस तरह से यहाँ पर अपनी ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं एक्जिगो मोबाइल एप्लीकेशन से। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्जिगो मोबाइल एप्लीकेशन है, जैसे कि यहाँ पर आप फ्लाइट, ट्रेन, बस यहाँ पर आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। आपको शुरुआत में आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर फिल करना होगा, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको फ्लाइट बुक करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर होटल बुक करने का ऑप्शन है, यहाँ पर बस का और यहाँ पर ट्रेन का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, अगर आप पहली बार इसको यूज कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करके आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको 150 रुपीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगा एज ए बोनस। ठीक है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं, आप कोई भी बुकिंग करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर ट्रेन बुक टिकट बुक करने वाला हूँ, तो मैंने ट्रेन पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हमको फिल करना है फ्रॉम, यहाँ पर टू और यहाँ पर डेट सेट करनी है और सर्च ट्रेन पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर फ्रॉम मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ झांसी, तो यहाँ पर झांसी जंक्शन हो गया। टू मैं यहाँ पर दिल्ली, ठीक है, मुझे जाना है दिल्ली, तो मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर डेट, तो डेट पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया है 13। ठीक है, और यहाँ पर नीचे सर्च ट्रेन पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर जितने भी अवेलेबल ट्रेन हैं झांसी से न्यू दिल्ली या न्यू दिल्ली के पास में जो भी स्टेशन हैं उनके लिए, तो ये सारी ट्रेन यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनका ट्रेन नंबर दिया हुआ है, प्लस का ट्रेन का नाम दिया हुआ है, प्लस के कितने टाइम यहाँ से डिपार्चर टाइम होगा झांसी से, अराइवल टाइम दिया हुआ और ड्यूरेशन टाइम कितना लगेगा, कितना टाइम यहाँ पर लगेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर दिया हुआ है कि किस किस दिन ये चलेगी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑल डे यहाँ पर लिखा हुआ है, और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रेन है यहाँ पर ऑल डे लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये सारे सभी दिन चलती हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर SMTWTFS दिया हुआ है, तो जो हाईलाइटेड है तो वो उस दिन ट्रेन चलती है, जो डिम है उस दिन यहाँ पर ट्रेन नहीं चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ट्रेन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आप सेकंड स्लीपर, यहाँ पर स्लीपर दिया हुआ है, प्लस का थर्ड एसी, तो उसमें कितना क्या वेटिंग है और यहाँ पर अवेलेबल है तो कितना अवेलेबल है, वो सारा आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप कोई भी बुकिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, से यहाँ पर जहाँ से निजामुद्दीन यहाँ पर ये ट्रेन दिया हुआ है, ये सुबह 2:20 पर चलेगी और यहाँ पर 7:40 मॉर्निंग में पहुँचा देगी। 5 घंटे 20 मिनट यहाँ पर ट्रेवल टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्लीपर यहाँ पर अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर स्लीपर पर क्लिक करके स्लीपर को बुक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्लीपर है वो यहाँ पर 280 रुपीज़ फेयर है और यहाँ पर आपका अवेलेबल 39 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, जो भी आपको बुक करना है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 13 नवंबर को ये अवेलेबल है, तो यहाँ पर बुक पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर 39 सीट अवेलेबल है और फेयर 280 रुपीज़ है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपको ट्रैवलर का डिटेल फिल करना है, तो नेम फिल कर दीजिएगा, एज फिल कर दीजिएगा, यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर बर्थ प्रेफरेंस और यहाँ पर नेशनलिटी और यहाँ पर नीचे ऐड ट्रैवलर पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं फिल कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने ट्रैवलर्स का इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया है, यहाँ पर एज, यहाँ पर जेंडर, ये सारा इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद ऐड ट्रैवलर पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको और भी ऐड करना है तो यहाँ पर ऊपर ऐड और ट्रैवलर का ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आप और बुकिंग करना चाहते हैं एक साथ तो और कर सकते हैं, अदरवाइज़ केवल यही करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, तो IRCTC का यूज़र आईडी यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है, डेस्टिनेशन एड्रेस, तो यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। यहाँ पर एड्रेस फिल करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे जाइएगा, और यहाँ पर आपका फ्री कैंसिलेशन अगर आपको करना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको 48 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना होगा और यहाँ पर आपका जो रिफ़ंड 100% मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नो करना चाहते हैं तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा और नीचे जाके यहाँ पर रिव्यू एंड पे पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर IRCTC का पासवर्ड मांगेगा, तो हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू बुकिंग पर क्लिक कर देते हैं, और नीचे प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग पेमेंट कर देते हैं UPI से। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं UPI से पेमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अपना UPI ID फिल कर दीजिएगा, किसी भी ऐप का आप फिल कर सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे, भीम UPI, कुछ भी फिल करने के बाद यहाँ पर पे सिक्योरिटी पर क्लिक कर दीजिएगा।
तो मैं पे सिक्योरली पर क्लिक कर दिया। तो ये मैंने फ़ोन पे का यूपीआई आईडी फिल किया हुआ है, तो मेरे फ़ोन पे पर एक रिक्वेस्ट जाएगा 318 रुपये 25 पैसा पे करने का। देख सकते हैं कि ये आ चुका है, तो यहाँ पर मैं पे कर देता हूँ। पे पर मैंने क्लिक किया फ़ोन पे मोबाइल एप्लीकेशन में, और यहाँ पर मैं सेंड पर क्लिक करके पे कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पेमेंट कर दिया है फ़ोन पे मोबाइल एप्लीकेशन में। अब मैं एक्जिको मोबाइल एप्लीकेशन पर चला जाता हूँ। अब यहाँ पर हमको IRCTC का पासवर्ड फिल करना होगा, तो मैं फिल कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद नीचे सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा आ रहा है बुकिंग सक्सेस, योर बुकिंग फ्रॉम झांसी टू निजामुद्दीन ऑन 13 नवंबर को यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है, तो गॉट इट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है, और यहाँ पर आपको ये अलॉट भी हो चुका है कि कोच S4 हो गया, उसमें सीट नंबर आपका 20, ठीक है, और यहाँ पर लोअर बर्थ हमको मिल चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पर टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको यहाँ पर मेल भी आ चुका है कि आपका यहाँ पर टिकट बुक हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक्जिको मोबाइल एप्लीकेशन से ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद, प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।